जब मोदी जी से पूछा गया कि मायावती भाजपा में शामिल हो सकती है तो इस पर पीएम मोदी ने दिए ये जवाब। लोकसभा चुनावों को लेकर नेताओं में एक दूसरे पर कटाक्ष करना शुरू हो गया है। कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल मोदी सरकार को रोकने में लगे हुए हैं। राजनीति को देखते हुए लगातार यह संकेत आ रहे हैं कि कहीं न कहीं मायावती जिस गठबंधन की बात कर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की बात कर रही थी, अब वे उसी गठबंधन से मुंह फेरते हुए नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका रुख कहीं न कहीं बीजेपी की ओर मुड़ा हुआ अवश्य लगता है। ऐसे में मीडिया में यह प्रश्न एक बार फिर से घूमने लगा है कि क्या मायावती होंगी एनडीए में शामिल। तो आइए इस आर्टिकल के माध्यम से जानते हैं कि इसी प्रश्न के जवाब में पीएम मोदी ने क्या कहा। दरअसल जी हिंदुस्तान पर एक इंटरव्यू के दौरान जब महिला पत्रकार ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या मायावती एनडीए में शामिल हो सकती हैं, तो पीएम मोदी ने जवाब दिया कि साल 2014 से ही तमाम पार्टियां एनडीए में शामिल हो रही हैं तथा मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह की बात करेगा। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों ने गठबंधन की बात करके जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता अब सब समझती है। अगर यह लोग अपनी सुरक्षा के लिए ऊपर जुड़ भी जाते हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जनता भी जुड़ जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में किस तरह महागठबंधन का पहला प्रयोग किया गया था, सबने देखा कि यह पूरी तरह से विफल रहा। इसके आगे उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि असम में कैसे सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई, लेकिन जनता ने समझदारी दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी का ही चयन किया। ऐसे में कौन सी पार्टी एनडीए से जुड़ रही है या नहीं, इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन यह जरूर है कि एनडीए लगातार विकसित हो रहा है। गौरतलब है कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर कैसे एक छोटे से प्रश्न के जवाब में पीएम मोदी ने इतना घुमा फिरा कर जवाब दिया। यही वजह है कि मायावती के एनडीए में शामिल होने को लेकर अभी भी वही प्रश्न राजनीति में घूम रहे हैं।